नेटवर्क, इतना बड़ा नेटवर्क है तो जरूरत तो पड़ती है कि एक पूरा फुल प्रूफ एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम हो कि चीजों को अनयूजुअल को अकरेंस को हैंडल करने के लिए, और उसके से भी ज्यादा कि अनयूजुअल अकरेंस नहीं हो इसके लिए भी। इसमें एक चीज और है कि जब व्हेन वी आर रनिंग सो मेनी गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन, वी आर कैरिंग लैक्स ऑफ पैसेंजर डेली, करोड़ करोड़ ऑफ पैसेंजर डेली, तो दियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दैट बिकम्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। सो वी हैव टू गिव अटेंशन, ड्यू अटेंशन टू दियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल दोज हु आर ट्रेवलिंग बाई आवर सिस्टम एंड हु आर ट्रांसपोर्टिंग दियर गुड्स बाई आवर सिस्टम और हु आर डिपेंडेंट अपॉन आवर सिस्टम, ऑल दोज हु आर ऑन स्टेशन प्रमाइसेस, जो वेंडर्स हैं सारे लोग की। सो देयर इज वन सिटीजन चार्टर, इंडियन रेलवे का एक सिटीजन चार्टर है जिसमें कि रेलवे हैज कमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड डिपेंडेबल ट्रेन सर्विसेज। सो व्हेन वी हैव प्रोवाइडेड फॉर सेफ एंड डिपेंडेबल ट्रेन सर्विसेज, इट इज आवर ड्यूटी टू क्रिएट एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि समथिंग मे हैपन। ऑफ कोर्स आवर एवरी एफर्ट इज टू रन सेफ एंड सिक्योर ट्रेन सर्विसेस विदाउट एनी डिजास्टर, विदाउट एनी अनयूजुअल, बट मे बी ड्यू टू सम रीजन और अदर समथिंग मे हैपन। सो फॉर दैट वी हैव टू बी रेडी टू कोप अप, वी हैव टू मेक इंस्टीट्यूशन, मेक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एंड वी हैव टू टेक एक्शन टू मिटिगेट दो डिजास्टर, उसको रोकने के लिए भी इसमें लोगों की ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी। अगर कुछ हो गया, इफ समथिंग हैपेंस देन हाउ टू डील विद। सो विद दिस बैकग्राउंड अब मैं आगे मूव करता हूं। सो इफ अगर किसी को कोई कुछ होगा, कमेंट होगा, तो प्लीज आप बीच में रोक लीजिएगा प्लीज। सो यू मे नॉट वेट फॉर एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, आप बीच में रोक करके बोल सकते हैं। ये जो डिजास्टर है, डिजास्टर जो कंसेप्ट है, इट इज नॉट न्यू। ये तो डिजास्टर था, पहले से चला रहा था, मगर पेन डाउन हुआ डिजास्टर। रेलवे में पहले भी डिजास्टर होते रहे, लेकिन पहले डिजास्टर कहीं डिफाइन नहीं था। डिजास्टर वॉज नॉट डिफाइंड फॉर्मली एनीवेयर इन लीगल टर्म। सो इन द केस ऑफ रेलवे, डिजास्टर का मतलब होता था सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट, जिसमें कि पैसेंजर लोग डेथ हो गई, इंजरी हो गई बहुत, या मालगाड़ी का भी बहुत सारे ट्रेन डिस्टर्ब हो गए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्राउट एन एक्ट इन 2005 दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वेयर दिस टर्म डिजास्टर वाज डिफाइंड प्रॉपरली। सो एज पर दैट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विच इज एप्लीकेबल ऑन द होल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आपने अभी जो ये कोरोना हुआ था, कोविड, व्हेन दिस इन 2020 मार्च नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उसमें देखे होंगे जो भी निकलते थे, जो भी व्हाट एवर डायरेक्शन वाज देयर, दे वेयर अंडर अंडर दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सो ड्राइंग अथॉरिटी फ्रॉम दिस एक्ट ओनली द अथॉरिटीज could issue those guideline and those directive. So the Disaster Management Act in 2005 was promulgated after passing of Parliament and assent of President. So in that act, this disaster is defined in this way. Means a catastrophe, mishap, calamity of grave or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes,
or by accident or negligence, which result in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such a nature or magnitude as to be beyond coping capacity of community of that affected area. So this disaster ka jo definition hai, this is broad definition and covering almost all area of environment bhi ho gaya, degradation of environment, property damage ho gaya, loss of life ho gaya, and which is beyond the coping capacity of community of that affected area. So kuch aisa hoga jo ki kisi area mein hua lekin wo area wale usko nahi kar sakte hain, usko handle nahi kar sakte hain, that will also be termed as disaster. So this disaster was defined in this fashion in Disaster Management Act 2005, which is Disaster Management Act for complete Union of India, including railway. So we are also bound by this act. So whatever act of this हमारे जिस Disaster Management Act का जो ही provision है, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है as individual और as railway, as a organisation और wherever we are, complete Union of India में. So this is not limited to only one department or one ministry. Whether a state government or central government, railway or some other ministry, district administration, or whatever it is. So, what are broad principles of disaster which could not be handled with alone? Akele nahi kar sakta. So, isme the required other departments, cooperation is required, assistance is required. Then this can be termed as a disaster. So there is any type of incidents, if it can't be handled by a particular department, that can be termed as disaster. But this is not exclusive. I mean, other also, if it can be handled by one department also, then also it can be treated as disaster, because disaster, definition of disaster is so vast. आपने देखा होगा कि डिफिनेशन डिजास्टर हैज बीन डिफाइंड, उसमें हर एक चीज को कवर किया गया है. सो इट इज नेसेसरी दैट वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ज्वाइन हैंड्स टू एक्सटेंड वट एवर फैसिलिटीज अवेलेबल विद देम टू प्रोवाइड रिलीफ, रेस्क्यू एंड मिटिगेशन ऑन द अकरेंस ऑफ. So, जिसके पास जो है, रेलवे पास जो है, तो अगर कहीं रेलवे एक्सीडेंट नहीं भी हुआ है, मान लीजिए कि रेलवे में एक्सीडेंट नहीं हुआ, रेलवे का कोई अफेक्टेड नहीं है, मगर बगल में कुछ हुआ है ऐसा आउटसाइड रेलवे प्रमाइसेस या रेलवे एरिया जहां पर की कुछ जरूरत है, तो हमारा ड्यूटी भी है, रेलवे का भी ड्यूटी है कि जाकर उनकी मदद करें. इट इज नॉट हम लोग देखते रहेंगे. So, और रेलवे में कुछ हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट को तो देखिए आ जाते हैं तुरंत. कोई भी एक्सीडेंट होता है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रश टू रेस्क्यू एंड रिलीफ, रेलवे तो जाती है लेकिन लोग भी आते हैं. सो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कोऑर्डिनेशन है, गिव असिस्टेंस टू अदर. So all departments and state governments are required to join hands whenever such incident or such occurrence is there. So similarly, Disaster Management Act has also been defined. So in Disaster Management Act has been defined. So आपने भी disaster का definition देखा है. Disaster का definition very broad definition. How disaster can be defined, that has been broadly and बहुत विस्तार से, विस्तृत से इसको cover किया गया है in the act. अब so whenever there is disaster, we have to manage that, we have to take necessary measure, rescue relief. So rescue relief is one part of disaster management. If something happens, कुछ घटना हो गया तब तुमको करना ही है. So disaster management is not limited to only rescue and relief. ये इसका है
continuous and integrated process of planning. So it is not that you have to plan and process when disaster happens, but you have to process in the beginning. शुरू से ही करते रहना है कि सो दैट कि देयर इज पहला तो कि देयर इज नो डिजास्टर. इफ डिजास्टर इज देयर हाउ वी विल हाउ टू डील विथ इट, हाउ टू रेस्क्यू, कहाँ कहाँ कैसे करेंगे. और इसमें जो जो द एरिया द टॉपिक आर कवर्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर. So, ये भी हमको प्लान करना है कि डिजास्टर का जो भी डेंजर है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे. सो वी हैव टू क्लियरली एनालाइज कि क्या क्या हो सकता है. जैसे ट्रेन के केस में डिरेलमेंट हो सकता है, कोई मान लीजिए कि ट्रैक पर कुछ सेबोटेज हो गया या कुछ और इस तरह से ट्रैक बह गया, वर्षा हो गई बह गया ट्रैक. सो उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्या करेंगे कि नॉर्मली ये सब चीजें नहीं होकर हो. मिटिगेशन और रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर और इट्स सेवेरिटी ऑफ कंसिक्वेंसेस. रिडक्शन ऑफ रिस्क है, रिड्यूस हो जाए, और इसका जो कंसिक्वेंस आफ्टर इफेक्ट है डिजास्टर का वो कम हो. बहुत इफेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं हो, कि अगर कुछ हुआ भी तो कम हो, माने लेसर स्केल पर. देन कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को जागरूक करना. वी हैव टू ट्रेन द पीपल टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, इम्प्लीमेंट मेजर्स टू फॉर मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर, प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर एटसेट्रा. सब लोगों को ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग अरेंज करना है, ट्रेनिंग नीड होनी चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जहाँ पर कि ट्रेन दे सकें. एंड अंडर दैट पार्ट ओनली हम लोग भी है, ये आप लोगों को बुला करके इसमें वी आर ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. तो इसमें रेलवे में खास करके आवर ट्रेनिंग इज सेंटर्ड ऑन रेलवे, वी आर ऑल रेलवे मैन. सो रेलवे में जितने तरह के भी डिजास्टर होते हैं, जो भी होते हैं एक्सीडेंट, डिरेलमेंट, उसके कुछ केस स्टडी. सो दिस कैपेसिटी बिल्डिंग इज पार्ट ऑफ दैट. प्रिपेयर्डनेस टू डील विथ एनी डिजास्टर, प्रिपेयर्डनेस नेचुरली ठीक है, यू आर ट्रेंड. सो ट्रेनिंग इज वन पोर्शन, वन पार्ट, बट whether with training you are prepared. So you have to those equipments, facilities, machinery. If some disaster happens, so we have to have those equipments and machinery, plants, etc. Vehicles. Hamare paas uske liye RT hai, RME hai, RT is equipped with all those tools and machinery. So that they, yeah, in sense may be preparedness hona chahiye. Then proper response to any threatening disaster situation or disaster. Response turat karna hai. So all these are covered under disaster management. So disaster management is not limited to only rescue and relief, jo hum log karte hain. Rescue and relief ke pehle bhi karna hai aur baad mein. This is continuous process, hamesha. Aur isme if assessing the severity of magnitude of effect of any disaster. अगर कुछ हुआ तो उसको assess भी करना है कि अगर कुछ हुआ, if something happens, तो कितना बड़ा magnitude होगा, क्या क्या हो सकता है इसका effect. Evacuation, rescue and relief हमने बोला, rehabilitation and reconstruction हमने देख लिया. अगर disaster कुछ होता है, derailment या accident होता है railway में, तो उसको फिर rehabilitate करते हैं, reconstruct करते हैं, और track को दोबारा बनाना, rolling stock, जो भी है रिपेयर करते हैं तब चलाते हैं. स्टेशन में कुछ होता है, स्टेशन मान लिया कोई मिसक्रिएंट कुछ कर दिया तो स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. अब जिसके फीचर्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, हम इसलिए बता रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज नेशनल एक्ट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, each and every organization of government of India, state government, district administration, sabhi log isse bandhe hue hain. So all have to follow this act, provisions of this act. So since all have to follow, so we should also be aware of, if, yes, there is one act
विच इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और उसके ये सब प्रोविजन है, फीचर्स है. तो इसमें 79 सेक्शंस आर देयर, 11 चैप्टर. इट इंश्योर्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स. अब देयर इज थ्री टायर स्ट्रक्चरल सिस्टम टू मैनेज डिजास्टर. इसमें थ्री टायर है. तो नेशनल लेवल पर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन पॉलिसी. सो पॉलिसी बनना है डिजास्टर का, ये NDMA बनाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. प्लान वही करता है, गाइडलाइन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. तो पॉलिसी एंड गाइडलाइन बनाना, प्लान बनाना, कैसे क्या होगा, हु विल डू व्हाट, ये NDMA डिसाइड करेगा. टाइमली एंड इफेक्टिव डिजास्टर, फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर के लिए. और ये जो कमेटी है, सॉरी NDMA है, इट इज असिस्टेड बाय नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी. इसमें देयर इज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी विच इज हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. इसलिए दिया गया परमानेंट, जैसे भी एट प्रेजेंट दिस इज हेडेड बाय सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी. उस होम सेक्रेटरी है वो हेड कर रहे हैं, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम दिया गया है दिस हैज बीन एलोकेटेड टू होम मिनिस्ट्री. कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि नहीं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई अलग मिनिस्ट्री होगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बन गया है, सो कोई अलग मिनिस्ट्री होगा तो वो उसके पास चला जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस होम सेक्रेटरी इज नॉट मेंशनड इन दिस एक्ट. सिंपली कि हूएवर मिनिस्ट्री, विच एवर मिनिस्ट्री is having administrative control of disaster management, the secretary of that ministry will be chairing National Executive Committee. And National Executive Committee will assist the National Disaster Management Authority. Yeah. So similarly, at a state level, there is State Disaster Management Authority headed by Chief Minister, and then a State Executive Committee headed by Chief Secretary of the state. Similar structure at a state level. And then third tier mein, District Disaster Management Authority headed by DM, District Magistrate, Deputy Commissioner of the District, and co-chaired by Chairman of Local Body. So local body, municipal corporation hai, ya koi aur local body hai, uske chairman hai, to wo bhi iske co-chair hote hai. Aur jo District Disaster Management Authority hai, act as District Planning, Coordinating and Implementing Body. इसको जो भी प्लान है, जो भी रूल रेगुलेशन, उसको इंप्लीमेंट करना है. तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इन इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट दे हैव टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट एंड इंप्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट. सो ऑल नेसेसरी मेजर इट हैज टू टेक फॉर पर्पस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन डिस्ट्रिक्ट एज पर गाइडलाइंस laid down by the national authority and the state authority. So state authority bhi jo banayega, you see there is national authority, there is state authority. So there may be conflict. So conflict should not be there. So state authority ka jo policy hai, the policy should not confront national authority. So national authority ho chahe state authority ho, they will act under the provisions of this national act. इसके लिए स्टेट लेवल पर कोई अलग से एक्ट नहीं है. अब फीचर्स है डीएम एक्ट का, कंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर NDRF. आपने यू माइट हैव हर्ड बहुत बार की, खास करके जब फ्लड आता है, व्हेन देयर इज फ्लड और देयर इज साइक्लोन, सो NDRF को बुलाया जाता है, NDRF वाले पहुंच जाते हैं. सो दैट हैज ऑल्सो ऑलरेडी बीन कंस्टिट्यूटेड NDRF. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, एक फंड भी बनाया गया है, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड एट सेंट्रल लेवल, एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एंड डिजास्टर मिटिगेशन फंड स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही बनाना. देन देयर इज वन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड दिस इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड प्रमोटिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन एरिया ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. सो देयर इज one institute at national level for exclusively for disaster management.
This is national issue. The documentation, development of national level information base. So पूरे इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, गाइडलाइन बनाएगा, ये ट्रेनिंग देगा, प्लान करेगा, रिसर्च करेगा, नए नए एरिया, नए नए न्यू टाइप्स, न्यू एड ऑफ हैंडलिंग डिजास्टर, उसके बाद टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, व्हाट रिसर्च इज बीइंग डन, व्हाट आर न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग अडॉप्टेड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म भी इसको करना है, बनाना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रिवेंटिव मैकेनिज्म डेवलप करना है, देन मिटिगेशन मेजर्स डेवलप करना है. सो अंडर दिस एक्ट देयर इज वन इंस्टीट्यूट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड ऑलरेडी, इंस्टीट्यूट इज देयर एंड दे आर ऑल्सो इम्पार्टिंग ट्रेनिंग. और वो लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को ट्रेनिंग देते हैं एंड दे हेल्प इन डेवलपिंग दे द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, मिटिगेशन मेजर्स एटसेट्रा बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस. और इनके जो प्रोविजंस है, मैन एवरीबडी हैज टू फॉलो, एनीबडी वायलेटिंग दैट दे कैन बी पेनलाइज्ड बोथ इन मॉनेटरी टर्म एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट. So there is detailed provision of offense and penalty if somebody violates the provision of this act. So that's why this railway is also covered under this act. Up now, accordingly, in accordance with the provisions of Disaster Management Act 2005 and guidance given in National Policy on Disaster Management 2009. So in 2009, one policy has also been framed, that is called National Policy on Disaster Management. इसके आधार पर एक National Disaster Management Plan बनाया गया है. One National Disaster Management Plan has been made, which provides a framework and direction to the government agencies. So how the government will function. रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट. सो फॉर ऑल फेजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, अभी हमने देखा था डिजास्टर मैनेजमेंट के देर आर सो मैनी एस्पेक्ट. इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू रिलीफ एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, बट देर इज प्रिवेंशन ऑल्सो, देर इज ट्रेनिंग ऑल्सो, देर इज मिटिगेशन ऑल्सो, असेसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑल्सो. सो दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क and direction to the government agency. This is a dynamic document, means ki this has to be reviewed periodically. Emerging global with in line with emerging global best practices. So विश्व में और कहाँ कहाँ क्या नए रिसर्च हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है टू हैंडल द डिजास्टर, और उसमें साथ साथ ये प्लान को भी आपके अपडेट करते रहना है. सो दैट्स व्हाई द व्हाट एवर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज मेड, दिस इज नॉट फाइनल, देयर मे बी अपडेशन, करेक्शन और करेक्शन स्लिप मे बी देयर, एंड दिस प्लान स्पेसिफाइज हु इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट. सो इसमें हर एक लोगों का, हर एक इंस्टीट्यूशन का जो भी कंसर्न है, क्लियर ड्यूटी डिसाइड किया हुआ है कैसे करेगा, क्या करेगा. अब हम लोग बात करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की. इसका एक विजन है, सो मेक इंडिया विजन इज मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट, अचीव सब्सटेंशियल डिजास्टर रिडक्शन एंड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड एंड एसेट, इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल by maximizing the ability to cope with disasters at all administration as well as among communities. So the provision of the National Disaster Management Plan has been again clearly spelled. So, आप लोग देख सकते हैं. So इसमें देखिए at all level of administration भी है as well as among community भी है. That means कि the disaster management plan, National Disaster Management Plan is for everybody, not only कि government.
अदर कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी है या बाकी लोग हैं, उसके लिए भी है ये। अब इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सर्टेन प्रोविजंस आर देयर विच आर कंसर्निंग टू रेलवेज, कंसर्निंग टू अस। तो जैसा मैंने बताया था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दिस इज पैन इंडिया एक्ट, इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट। सो अकॉर्डिंगली देर आर सर्टेन प्रोविजन्स, स्पेसिफिक प्रोविजन्स, देर आर सर्टेन प्रोविजन्स विच आर रिलेटेड टू अस ऑल्सो। देर उसमें जो है सेक्शन 35, 36 एंड 37, विच आर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एज फॉर विच ए नंबर ऑफ मेजर्स एक्शन आर टू बी टेकन either on their own or in consultation with NDMA. So किस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री को क्या करना है, what are their responsibility, उसमें रेलवे को भी आ जाता है, that includes railway also, रेलवे का क्या responsibility है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, what are number of measures action to be taken, या तो खुद ले या कंसल्ट करे रेलवे में, कंसल्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो दिस हैज बीन क्लियरली स्पेल्ड सेक्शन 5 विच सेक्शन 35, इसमें से सेक्शन 35 दिस स्टेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक ऑल सच मेजर एज इट डीम्स नेसेसरी। सो नाउ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मींस दे आर ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लाइक। So, Ministry of Railway has to take all such measures as it deems necessary. जो भी उसको लगता है कि होना चाहिए वो सारे लेने हैं, and includes coordination of action. दूसरे का भी coordination इसमें होना चाहिए, दूसरे ministry से भी coordinate करना है, और department और government of India, state government से coordinate करना, उसका भी, उसके बारे में लिए भी action लेना है, national authority, state authority, government and non-governmental organization, एनजीओ से भी कोऑर्डिनेट करना है, इंश्योर है प्रिपेयर एलोकेशन ऑफ फंड, और इसके लिए फंड भी एलोकेट करना है, डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल मिनिस्ट्री एंड एयरफोर्स वेरी वेरी वेल एप्लीकेबल एंड प्रोवाइड असिस्टेंस नेशनल अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेक्शन 35 में डायरेक्टिव इज देयर अंडर द एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे को भी डायरेक्टिव है कि आपको ये सब करना है। देन सेक्शन 36 है, सो इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एवरी मिनिस्ट्री, यू सी दैट मींस ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आल्सो, टू टेक मेजर्स नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर। अब डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए नेसेसरी मेजर भी लेना है, रेलवे हैज टू टेक नेसेसरी मेजर। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ डिस्कस कि आपको पता चले कि जो रेलवे में जो डिजास्टर मैनेजमेंट करना है उसका लीगल कवर कहाँ पर है। सो दिस एक्ट इज लीगल कवर अंडर विच रेलवे इज बाउंड टू डू, इसके प्रोविजन को फॉलो करना रेलवे के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है। सो रेलवे responsibility of every ministry or department of government of India to take measures necessary for prevention of disaster, mitigation, preparedness and capacity building, respond effectively and promptly to any threatening disaster situation, necessary measure karna aur respond karna turant, prompt, aisa nahi ki kuch ho gaya to theek hai abhi sochenge, promptly respond karna hai to any threatening disaster situation. अगर कुछ ऐसा लग रहा है इफ इट इज एंटिसिपेटेड कि समथिंग मे हैपन, सो आपको एक्शन लेना है एंड मेक अवेलेबल इट्स रिसोर्सेज टू द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी और ए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर पर्पस ऑफ रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली। और आपके जो रिसोर्सेज उसको अवेलेबल भी करना है, स्टेट को, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, किसी जो भी जहां भी जरूरत है, and effectively to any threatening disaster situation or disaster, या तो disaster होने की संभावना है कुछ situation, threatening situation है, या disaster हो गया दो process में,
अपने फैसिलिटी को रिसोर्सेस को मेक अवेलेबल करना फॉर अदर्स ऑल्सो. एंड देन देयर इज सेक्शन 37 अगेन एवरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल प्रिपेयर ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. इट इज अगेन डायरेक्टिव मैंडेटरी फॉर एवरी मिनिस्ट्री. सो एवरी मिनिस्ट्री हैज टू प्रिपेयर ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सेक्शन 37 रिव्यू एंड अपडेट एनुअली. इसको रिव्यू करेगा अपडेट करेगा एनुअली एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द प्लान टू द नेशनल अथॉरिटी फॉर. और जो भी प्लान बनाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान उसकी नेशनल अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है. सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑल्सो हैज टू प्रिपेयर अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. सो यू सी ऑल दीज एक्टिविटीज और एक्शंस आर मैंडेटरी टू बी टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ. अब नाउ बी स्विच ओवर टू रेलवे स्पेसिफिकली. सो वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. बेस्ड अपॉन दैट डेफिनेशन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज ऑल्सो डिफाइंड रेलवे डिजास्टर. Railway disaster, specific to railway. So, what is that railway disaster? Railway disaster is a serious train accident or an untoward event of grave nature, either on railway premises or arising out of railway activity. So, it is not not only train accidents are disaster. Other incidents can also be termed as disaster or an untoward. You see. Or an untoward event of grave nature, either on railway premises या रेल arising out of railway activity. अगर railway कुछ कर रहा है कहीं construction कर रहा है और वहां पर कुछ हो गया that also can be termed as disaster due to natural or man-made causes. Natural भी हो सकता है man-made भी हो सकता है. That may lead to loss of many lives and or grievous injury to a large number of people. And or severe disruption of traffic. So disruption of traffic hai, loss of life nahi hai, to be disaster ho sakta hai. Then also it can be termed as disaster. Necessitating large scale help from other government and private organizations. So not every train accident should be termed as disaster. Ye clear dikhega ki koi bhi train derailment ho gaya to iska matlab wo disaster nahi hai. वो तो होते रहता है ट्रेलमेंट बहुत सारे होते हैं लो लेवल का या ट्रेलमेंट है. बट इफ दैट इंसिडेंट फिट्स इनटू दिस दैट कैन बी टर्म्ड एज डिजास्टर. अब डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया कैसे करते हैं इसे वी ऑल नो दैट वी हैव डिफरेंट अथॉरिटी. हमारे पास मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास ARTE है, वी हैव ARME, वी हैव बोथ ARTE ARME आर इक्विप्ड. ARME में जो ऑपरेशन थिएटर हैं डॉक्टर के हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट इज लुकिंग आफ्टर, बाकी चीज हम लोग मेंटेन करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट. सो बिफोर अर्लियर क्या होता था कि डिजास्टर ये रेलवे रिलेटेड डिजास्टर सो कॉल्ड रेलवे एक्सीडेंट के लिए केवल एक एक्सीडेंट मैनुअल था. एक्सीडेंट मैनुअल सो वी वेयर डीलिंग ऑल दोज अक्रेंसेस और एक्सीडेंट्स एज पर रूल एंड प्रोसीजर लेट डाउन इन एक्सीडेंट मैनुअल. सो एक्सीडेंट मैनुअल अभी भी है, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट मैनुअल अभी नहीं है. सो इन 2002 एक कमिटी कंस्टिट्यूट हुआ था बाई that was called high level committee to review. Naturally jo pehle jo the usme there was so many shortcomings, wo purane method the accident ke handle karne ke. So a committee was set up that was called high level committee in 2002 September 2002 which was to review disaster management system over in the Indian Railway. So whatever system was there, they had to review
natural, and identify additional technological and managerial input. Or what are managerial and technological inputs are required to quicken the pace of rescue, relief, and restoration of a patient. So basically, this was the modernization of disaster management in railway. So that committee, after studying Indian the system prevailing in railway and other country, other organization, they made a 111 recommendation, which were accepted by the railway board in July. Some of you might be knowing that जो डील किया है कि 111 recommendations का बहुत promptly change होता था railway board से, some equipment were modernized. हमारे ART में बहुत सारे नए इक्विपमेंट आए, रीरेलिंग इक्विपमेंट, कोल्ड कटिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा, टावर लाइट, उस तरह के आए ARME में, ART में, सब में. इनके जो रिकमेंडेशन थे डिजास्टर मैनेजमेंट हाई लेवल कमेटी के, कि डिटेल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान शुड बी डिवाइड एट जोनल एंड डिविजनल लेवल. सो जोनल और डिविजनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना था, बना भी. रिलीफ ट्रेन एंड मेडिकल वैन शुड बी एडिक्वेटली प्रोवाइडेड, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, अपग्रेडेड टू ऑपरेट एट हायर स्पीड. एक तो स्पीड बढ़ाना, स्ट्रेटेजिकली ऐसा लोकेट करो जिससे मैक्सिमम कवर हो सके एट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, एंड इक्विप विद मॉडर्न इक्विपमेंट. इनका मॉडर्नाइजेशन भी था. Rescue ambulances and other infrastructure should be provided, including facilities in hospital. So hospital को भी upgrade करना है. Communication facilities should be upgraded. Communication जैसे था कि railway accident होता था तो driver के पास वो telephone होता था, जो कि base side में जो communication pole है उससे लगा करके बात करता था control से. So communication providing facilities was also to be upgraded. MOU should be entered into with the state government. State के साथ MOU enter करना था, public private agency के साथ, armed forces, to improve response time during disaster. ताकि disaster कुछ हो, railway major railway accident हुआ तो तुरंत response हो सके, सबसे assistance मिल सके. Crack rescue team should be formulated. There was a crack team also. It was constituted in every zone division. A specialized training in rescue, extrication, relief and restoration techniques should be provided to staff. So these were main. Other were also there. It's not, these are very few of those 111 recommendations. So after this disaster high level committee report, which were accepted by the government and action were taken, again, Ministry of Railway in August 2003 formulated a corporate safety plan. So corporate safety plan bhi banaya as a means to realize the vision of an accident free and casualty free intervention system. The plan was made, that was called corporate safety plan, with vision of an accident free and casualty free intervention. एक्सीडेंट भी नहीं हो, कैजुअलिटी भी नहीं हो, सो दैट सिस्टम, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर दोज इश्यूज एंड हाउ टू कोप अप, हाउ टू डील विद. सो इसके लिए कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान बनाया गया. अपार्ट फ्रॉम एड्रेसिंग द सेफ्टी कंसर्न, फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज क्रिएटेड. सो अगेन ये डिजास्टर मैनेजमेंट का मॉडर्नाइजेशन वाज रिएटेड इन कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान. और साइलेंट फीचर इसका था एक्सटेंसिव यूज ऑफ एंटी कोलिजन डिवाइस टू प्रिवेंट कोलिजन. एंटी कोलिजन डिवाइस देख रहे होंगे कि गैसल में एक घटना हुआ था 1999 में, इन विच टू ट्रेन केम, देर वॉज हेड ऑन कोलिजन ऑन द सेम ट्रेन, और उसमें बहुत हेवी कैजुअलिटी हुआ था. सो एंटी कोलिजन डिवाइस की दो ट्रेनों में टक्कर नहीं हो, प्रिवेंट पे ब्रेक लग जाए, इमरजेंसी ब्रेक लग जाए, इन दैट इज सिचुएशन दी दो वो ट्रेन केम इनटू कम इनटू प्रॉक्सिमिटी. सो कोलिजन प्रिवेंट करने के लिए एक्सटेंसिव यूज ऑफ एंटी कोलिजन डिवाइस का कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान में था.
Then a placement of our race track, bridges, signal and telecommunication, rolling stock to reduce derailment, mining of unmanned level crossing, use of train actuated warning device, an anti-collision device to reduce level crossing accident, introduction of modern bridge inspection and management system, filling up of safety category post. ये सारे थे उसमें जो कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान में दिव्या क्यों रिकमेंड नॉट ऑल. इसके बाद अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनाया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अनिल काकोदकर, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन पहले थे, तो उनके अनिल काकोदकर के चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी विच सबमिटेड सेफ्टी रिव्यू इन 2012 फरवरी. रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी क्या है, इनहांस एम्पावरमेंट टू जोनल रेलवे एट हेडक्वार्टर एंड डिविजनल लेवल इन रिगार्ड टू सेफ्टी पैटर्न. तो इसने बोला कि आप एम्पावर करने के लिए जोनल रेलवे को ज्यादा पावर दिया जाए, फाइनेंशियल पावर, डिविजनल लेवल को भी दिया जाए सेफ्टी मैटर में, एडॉप्ट एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस ट्रैक सर्किटिंग एंड कैब सिग्नलिंग सिमिलर टू यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल टू. ये भी इस कमेटी ने बोला, हालांकि ये अभी यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल टू का भी आया नहीं है, अभी आ रहा है धीरे धीरे शायद. तो सिग्नलिंग अपग्रेडेशन वाज आल्सो एरिया ऑफ कंसर्न विच वाज हाईलाइटेड बाय हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमिटी. टोटल एलिमिनेशन ऑफ ऑल लेवल क्रॉसिंग विद इन 5 years. सो मैंड एंड अनमैंड लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट करना है विद इन 5 years. स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ ICF डिजाइन कोचेज. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आवर मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. इस कमेटी ने बोला कि ICF डिजाइन कोचेज को आप स्टॉप कर दीजिए एंड कंप्लीटली स्विच ओवर टू मैन्युफैक्चर ऑफ LHB डिजाइन कोच इमीडिएटली, बिकॉज ये दिस वॉज फाउंड दैट दिस LHB कोचेज व्हेन देयर इज एक्सीडेंट और डेरेलमेंट हैपेंस, सो इसमें दे आर मोर सेफ, कैजुअल्टी नहीं होता है, एंटी क्लाइंब एक दूसरे पर चढ़ता नहीं है कोच CBC कपलिंग के चलते. इसके साथ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एक मुगलसराय में डिवीजन में एक एक्सीडेंट हुआ था, देयर वाज एन एक्सीडेंट राजधानी LHB राजधानी बाच LHB विथ LHB कोच 16 कोच या 18 कोच का था, भुवनेश्वर राजधानी, भुवनेश्वर टू दिल्ली. इट वॉज गोइंग फ्रॉम भुवनेश्वर टू दिल्ली after Gaya station sometime in 11:30 or so in the night. Naxal ka band chal raha tha, so the trains were already running at maximum speed of 70 km/h. So Rajdhani was also running, so on the face of it just iske cross train ke aane ke just pehle track mein bomb laga diya tha, tar laga ke और वो बम ब्लास्ट कर दिया ट्रैक को, जस्ट राजधानी पहुंचने वाली थी उसके जस्ट पहले, और करीब करीब 1 meter का वो दोनों ट्रैक के दोनों रेल में उड़ गए और करीब आधा मीटर गड्ढा हो गया, आधा मीटर 1 meter के डायमीटर में, और रेल गायब हो गए. सो देर और उसके बाद ये उसी समय अचानक हुआ कि ड्राइवर को मौका भी नहीं मिला रिस्पॉन्ड करने का. सो फाइनली जो है ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, नहीं लगाया, ब्रेक लगाया भी तो लोको जंप उसके ऊपर से गुजर गया जंप करते हुए, नेचुरली द लोको डिरेल्ड एंड फॉलोइंग सम 10 coaches आई थिंक 10 coach उसके पीछे पीछे सब डिरेल कर गए और धंस गए उसमें बैलास्ट में स्लीपर को तोड़ते हुए, लेकिन नॉट अ सिंग, सारे कोच इंटैक्ट थे, दसे हुए जहां तक जाना था लोको गया, 10 coach लोको प्लस 10 coaches, और एक भी आदमी को खरोच तक नहीं आई. एट दैट टाइम स्पीड वाज अबाउट 70 के आसपास था, क्योंकि 70 km/h वाज मैक्सिमम स्पीड, तो उसी स्पीड पर चल रहा था, इट वाज नॉट मोर देन 70. एक भी पैसेंजर को, नॉट अ सिंगल पैसेंजर, बाज इवन खरोच भी नहीं आई, कुछ नहीं. और उसके बाद सारा रेस्क्यू हुआ, रिस्टोर हुआ, एंड ऑल दोज कोचेज बेयर सेंट
हमने आई वाज नेटिव देयर, सभी कोच को हमने उसको रिरेल करके, वो टाइम लगा थोड़ा क्योंकि पूरे धस गया था, देयर वाज नो ट्रैक, देयर वाज नो स्लीपर, पूरे सभी कोच को रिरेल करके उसको जो भी माइनर रिपेयर कर सकते थे उसको करके विथ रेस्ट्रिक्टेड स्पीड भी सेंड टू दिल्ली, उसको भेज दिया. सो दिस वाज आल्सो वेरी, सो कॉन्फिडेंस वाज देयर, यस इफ एलएसबी कोच इज देयर देन इन केस ऑफ एक्सीडेंट आल्सो द सेवेरिटी ऑफ कंसीक्वेंस इज वेरी लेस. अगर ये आईसीएफ कोच रहता जो 70 किलोमीटर पर हुआ था, जिस हो सकता है और कैजुअलिटी होती बिकॉज देयर वाज कंप्लीट ब्रिच ऑफ ट्रैक, तो डिसकंटिन्यूअस था, ट्रैक था ही नहीं, एक मीटर बीच में गायब, और उस स्पीड पर जा रहा है तो एक दूसरे पर कोच चढ़ जाता है एकदम चढ़, माने जो लग रहा है जो एक्सपीरियंस है पिछले एक्सीडेंट का एले आईसीएफ कोच का, उसमें हो सकता है कि ज्यादा कैजुअलिटी होती. सो इट वॉज ड्यू टू आई थिंक, मेरा अपना व्यू है कि दिस वॉज ड्यू टू एलएचबी कोच. The committee has given several recommendations for improvement in maintenance, diagnostic, measurement and maintenance practices of safety related infrastructure such as track, rolling stock and similar. Iske alawa bhi there are other recommendations also which the committee has made. So maine teen cheez ka bola, ek to high level committee which given 111 recommendation, uske baad based upon this there was a plan, corporate safety plan, fund were allocated for upgradation of disaster management technique, technology, technique, mechanism, upgradation of bridge, track, modernization, etc. Now, ये मैं दिया इसलिए बता रहा हूँ कि ये अचानक नहीं हुआ है, ये दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस और रेलवे बहुत पहले से ये करते आ रही है. लेकिन थोड़ा सा जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ बना नया, इट वाज फेल्ट कि देयर इज नेसेसिटी ऑफ वन एक्ट, एक एक्ट बनाया, उसके बाद से थोड़ी फिलॉसफी चेंज हो गई चल जाए, और ये फिलॉसफी आ गई कि नहीं, वी हैव टू बी अपडेटेड और लेटेस्ट कंसेप्ट है उसके अनुसार चलना चाहिए कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या है न्यू फिलॉसफी. सो न्यू फिलॉसफी में क्या क्या आ गया, सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट नॉट द ओनली इवेंट डिजास्टर, सो डिजास्टर डज नॉट मीन ओनली सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट, सो अदर देन सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट कैन ऑल्सो बी डिजास्टर. Other events, internal security related events like terrorist attack at a station. So, under this act, the terrorist attack at a station, train, marooning of train due to flood, disruption of traffic due to natural factor like earthquake, cyclone, flood, etc. are termed as disaster. So, उसके बाद disaster में और ये सब चीजें include हो गई. पहले करते थे ठीक है. Serious train accident हुआ, that disaster means we have serious train accident only. But no, after this act, 2005 act, these are also termed as disaster. And this is no more relief and rescue center. जैसे मैं बताया था पहले कि disaster management means so many things. In addition to rescue and relief. Rescue and relief तो तब होगा जबकि disaster हो गया. हमको करना है कि disaster नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, no unusual. तो उसके लिए अभी बहुत सारे चीजें हैं, प्लान करना है, मिटिगेशन मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड होना है. सो अब नाउ होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्टेड टू इनकॉर्पोरेट क्या, प्रिवेंशन इसमें आ गया, मिटिगेशन आ गया, प्रिपेयर्डनेस आ गया, रेस्क्यू एंड रिलीफ आ गया, रियलिटी. So all those have been covered and included in this disaster management. Railway maybe. So new philosophy gives more emphasis on prevention and mitigation. So in the new philosophy, the emphasis is on prevention and mitigation. We have to take action to prevent and mitigate disaster. If disaster ho hi nahi, डिजास्टर कुछ हुआ तो उसका इफेक्ट बहुत कम,
and audit existing system for disaster resistance. इस सिस्टम को हमारे सिस्टम को रेगुलरली ऑडिट करते रहना है. इंस्पेक्शन है आपके एआरटी का भी होता होगा कि व्हाट आर द माने सब ठीक है नहीं है. डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनडीएमए एंड सेल्फ प्रिपेयर्ड गाइडलाइन. एनडीएमए का जो गाइडलाइन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गाइडलाइन है उसके आधार पर एंड सेल्फ प्रिपेयर्ड गाइडलाइन. रेलवे का कुछ अपना गाइडलाइन है उसके आधार पर डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन करना है और ऑडिट अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी ऑडिट करना है. डिजास्टर मैनेजमेंट इन डेवलपिंग डेवलपमेंटल प्लानिंग न्यू एक्टिविटीज शुड बी डिजास्टर रेसिस्टेंस. अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग, नया कोचिंग डिपो बनवा रहे हैं, नया न्यू वॉशिंग पिट बना रहे हैं, न्यू सिक लाइन बना रहे हैं मैकेनिकल रिलेटेड, या नया वर्कशॉप बना रहे हैं, तो डेवलपमेंटल में ही प्लान करना है पहले शुरू में ही कि भाई डिजास्टर मैनेज कैसे करेंगे और डिजास्टर रेसिस्टेंट कैसे होगा. सो द कंस्ट्रक्शन शुड बी डिजास्टर रेसिस्टेंस, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस या बाकी भी है, और उसके लिए पूरी फैसिलिटी उसमें डालनी है शुरू से. ऐसा नहीं कि जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, सिक लाइन बन के तैयार हो गया, तो पता ही नहीं कि अगर कुछ होगा तो हम क्या करेंगे. देन प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, दे आर डायमेंशंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. प्रिपेयर्डनेस भी होना चाहिए, यू हैव टू रेगुलरली अपडेटेड, और वो उसकी ड्रिल होनी चाहिए, ड्रिल होनी चाहिए, मॉक ड्रिल होनी चाहिए. यस, पीपल आर अलर्ट, दे आर अप टू डेट, रेडी, दे कैन अटेंड एनी डिजास्टर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, इसके लिए हम लोग तैयार हैं. एक्सपर्टाइज बेस्ड रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्टाइज बेस्ड रेस्पॉन्स, हर एक पास जिसके पास जो एक्सपर्टाइज है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग. सो समबडी इज एक्सपर्ट इन समथिंग, somebody is expert in something, so response should be from all stakeholders. जैसे इसमें in case of railway accident सारे लोग आते हैं, there are mechanical people, there are electrical people, there are operating के लोग भी आएंगे, signaling के भी लोग आएंगे, अपना communication system करेंगे, engineering का लोग आएगा, civil engineering को अपना track व्रैक ठीक करेगा. so क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, ट्रैक रिपेयर करने के लिए इंजन वाले जाएंगे, ओ एच ई लाइन को अगर ठीक करना है या स्लीव करना है तो इलेक्ट्रिकल वाले चाहिए, ए आर टी में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसके लिए कुछ है तो इलेक्ट्रिकल वाले चाहिए, लाइटिंग अरेंजमेंट करना है तो इलेक्ट्रिकल वाले चाहिए. सो ऑल दो इस तरह से, ये तो हुआ विद इन द रेलवे, इनफैक्ट आउटसाइड और रेलवे ऑल्सो. सभी स्टेक होल्डर से हमारे पास रेलवे के एक्सटेंट में एक्सपर्टाइज बेस्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए. पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑल एजेंसीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी, डिफेंस, हॉस्पिटल एंड अदर गवर्नमेंट, ये भी होना चाहिए. हमारे पास पूरी लिस्ट रहती है, देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये रहता है, आरटी में कहाँ कहाँ अस्पताल है, उसके डॉक्टर के नंबर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, एस पी, डी एम, कम्युनिटी, जो सिविल कम्युनिटी है कुछ ऐसा है, सो दियर हेल्प कैन बी टेकन, डिफेंस का, हॉस्पिटल का लिस्ट एटसेट्रा. इसमें देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में रेलवे में देर आर सर्टेन नोडल डिपार्टमेंट जो पॉलिसी बनाती है, टू प्रिपेयर द पॉलिसी, टू फ्रेम द पॉलिसी देर आर सर्टेन नोडल डिपार्टमेंट, और उनको एड भी करना है. जैसे सेफ्टी है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जोनल एंड डिविजनल, तो जोनल और डिविजनल लेवल पर मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसको बनाना. तो मैंने देखा था उसमें अर्लियर कि हर एक मिनिस्ट्री को अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है, एक्ट में ही है ना. सो रेलवे में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रेलवे का भी होगा, so who will do that? इसके लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट की जरूरत है. मेडिकल हॉस्पिटल का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के लिए, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुआ, ड्रिल, ये सब
उसके लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, आरपीएफ है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड प्रिवेंटिव एक्शन मिटिगेशन, ये इनका नोडल ही है। मैकेनिकल का है रेस्क्यू एंड रेस्टोरेशन सेंट्रिक डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेशलाइज इक्विपमेंट एंड रेस्क्यू सेंट्रिक ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। रेस्क्यू एंड रेस्टोरेशन जो है दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज ऑल्सो फॉर्मुलेटेड अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान issued by Home Ministry. Based upon that, disaster management plan of Ministry of Railway has also been formulated and issued by Safety Directorate of Railway Board in November 2019. Yeah, this railway ka jo disaster management plan, this is also based upon National Disaster Management. So National Disaster Management Plan is something called Bible for us. So उसके जो railway provisions are there, they are applicable to us also. So based upon that plan, context specific, very very important. Railway specific जो changes हैं, वो Ministry of Railway के लिए किए गए हैं, duly indicating the role and responsibility at board, zonal, headquarter and divisional level. So बोर्ड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जोनल हेडक्वार्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिविजनल लेवल डीआरएम हुए या ब्रांच ऑफिसर हुए, सीनियर डीएमई, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो ऑल दोज हैव बीन क्लियरली स्पेल्ड इन द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 बाय रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेफ्टी डायरेक्टर। और इस प्लान में डिटेल गाइडलाइन है रिलेटिंग टू केस ऑफ ब्रिज, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन। ब्रिज फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, साइक्लोन आया, मैन मेड डिजास्टर हुआ, टेररिज्म, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए गाइडलाइन है। एक्सीडेंट मैनुअल ऑफ रेलवे में भी रेफर्ड फॉर डिटेल्स रिलेटेड टू ट्रेन एक्सीडेंट। अब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट मैनुअल भी रेफर करना है। This accident manual is only for train accident. Guideline on crowd management and role of RPF in crowd control based on NDMA guideline on management managing crowd at events and venues of mass. Crowd management भी इसमें mention किया गया है। अभी एक हमारे डीन साहब एक आप लोगों के साथ share करेंगे crowd management, वो he has been nodal officer of Kumbh at Allahabad. ADRM थे तो उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है क्राउड मैनेजमेंट का। इतना बार जो करोड़ों करोड़ 20 करोड़ लोग आते हैं और सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर थ्रू रेलवे सिस्टम, ट्रेन से आते हैं तो स्टेशन पर, ट्रेन में, स्टेशन के बाहर कैसे क्राउड मैनेज करना सो दैट नथिंग हैपेंस, नो कोई स्टैम्पिड नहीं हो, किसी के साथ मानी किसी तरह का धक्का मुक्के स्टैम्पिड, लोग ऑर्डरली जाए, ऑर्डरली आए, सो हाउ टू मैनेज दैट क्राउड, व्हाट टू बी डन, सो व्हाट एक्शन दे हैव ही हैज टेकन, सो दे विल शेयर। सो क्राउड मैनेजमेंट का भी इसमें गाइडलाइन दिया हुआ है, रोल ऑफ आरपीएफ है, इवेंट अ स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर स्टेशंस वेयर द क्राउड इज एक्सपेक्टेड नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड इंप्लीमेंटेड। अब इसमें केमिकल डिजास्टर हुआ उसके लिए भी गाइडलाइन है। केमिकल डिजास्टर मीन्स कि आप लोग बीटीपीएन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले जाते उसके साथ कुछ ड्यू टू सम मिसक्रिएंट एक्टिविटी और अदरवाइज कुछ आग लग गई डिजास्टर, तो उस कैसे करेंगे, या कुछ और इस तरह का केमिकल कहीं से निकल गया, गैस निकला या जो भी, तो उसमें कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। Capacity development covering a strengthening of institution, mechanism and capacities of all stakeholders. Capacity development has also been discussed in this disaster management plan. Zonal Railway, now based upon this disaster management plan of Ministry of Railway, every zonal railway, divisional railway has to prepare their own disaster management. On similar line, so
फिर अगेन स्पेसिफिक चेंजेस में भी डन लोकल, क्योंकि हर एक का कुछ देयर मे बी सेपरेट रिक्वायरमेंट. सो एम शुड बी टू मिटिगेट, एजुकेट, प्रिवेंट, रेस्क्यू रिलीफ एटसेट्रा. सो बेस्ड अपॉन दिस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एवरी जोन एंड एवरी डिवीजन हैज टू मेक डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम प्लान एट डिविजनल लेवल मस्ट इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन. सो जो नेशनल लेवल रेलवे का जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इशूड बाई सेफ्टी डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उससे थोड़ा सा उससे अलग होगा. जोनल रेलवे थोड़ा सा जोन के बारे में, जोन को जो सूट कर रहा है वो, प्लस जो डिविजनल लेवल का है, डिविजनल प्लान है, डिविजनल लेवल मस्ट इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन. रेस्क्यू रिलीफ कैसे करेगा, उसको कैसे प्रबंध करेगा, मैनेज करेगा, इंक्लूडिंग केयर फॉर डेड. डेड को कैसे केयर करना है, जो मर गए, पैसेंजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें कुछ हो, उनको कैसे केयर, पूरा गाइडलाइन इस रहना चाहिए. कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे होगा, रेस्टोरेशन ऑपरेशन कैसे होगा, मेंटेनेंस ऑफ एआरटीआरबी कैसे होगा एंड देयर इक्विपमेंट, मीडिया मैनेजमेंट कैसे कौन करेगा, चेकलिस्ट फॉर ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर्स. डीएम प्लान शुड ऑल्सो इंक्लूड डिटेल्स ऑफ लोकल रिसोर्स. सो लोकली क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है इनसाइड रेलवे, आउटसाइड रेलवे. जैसे मैं बताया कि हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है, डॉक्टर का लोकल, जहाँ से कि हम एनजीओ, जहाँ से कि हम मदद ले सकते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन के फोन नंबर, एड्रेस, ये सारे इसमें रहने चाहिए. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वेरियस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, गाइडलाइन टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर. जैसे लाइक फायर इन ट्रेन, मई 21 में ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी किया है कि अगर फायर हुआ ट्रेन में तो उसको कैसे डील करें, वो डिटेल गाइडलाइन है. इसको भी आप लोगों को देखना चाहिए. सारे हमारे आप लोग भी खोज सकते हैं, दीज आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट. और अगर नहीं है तो हम लोग दे सकते हैं, मेरा हमारे पास है, हम लोग शेयर कर देंगे सारे. ये सारे शेयर कर देंगे, एक्ट भी दे देंगे आपको, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान दे देंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी शेयर करेंगे, ये सारे. तो ये दिस मेक्स बेसिक कि डिजास्टर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, रेलवे में डिजास्टर का क्या, व्हाट डू वी मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर इन रेलवे, एनडीएमए क्या है, नेशनल लेवल पर क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, स्टेट लेवल पर क्या है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल व्हाट आर द मैकेनिज्म, सिस्टम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फंड एटसेट्रा, और रेलवे क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मच सम इंट्रोडक्शन ऑफ डिजास्टर. वी आर कवर्ड बाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड रेलवे हैज ऑलरेडी टेकन एक्शंस, टेकन स्टेप इन लाइन विथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. रेलवे हैज फॉर्मुलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड ऑल जोनल रेलवे हैव टू प्रिपेयर दियर ओन प्लान विच दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर. नॉट कि ऐसा नहीं कि बाकी जोनल रेलवे ने अभी तक नहीं बनाया है, और ये चेंज होते रहता है. ये 2019 का में आया, इस मतलब ये नहीं कि 2019 में पहली बार आया है, अभी 2019 में आया, हो सकता है बाद में फिर 2022 में भी आ जाए, 23 में आ जाए, तो जैसे ही जरूरत पड़ेगा कुछ और चेंज करने की, चेंज हो जाएगा. उसी तरह से ये जोनल रेलवे का है, उसी तरह से ये डिजास्टर ये डिविजनल लेवल का है. सो ऑल एट ऑल लेवल, थ्री लेवल, दिस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज टू बी प्रिपेयर्ड. उसके क्या क्या कंटेंट होंगे, क्या क्या उसमें देखना है और कैसे एक्ट करना है, क्लियरली स्पेल होता है कि अगर कुछ हुआ तो हु विल डू व्हाट एंड हाउ. ये सो इसके बारे में आपको जस्ट बेसिक, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का है तो आई थॉट कि वी शुड शेयर विथ यू. इसके बारे में अगर कोई ऑब्जर्व, मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा. इसमें कुछ ऐसा नहीं जो नहीं समझ में आया, और पीपीटी आपको शेयर कर देंगे, पीपीटी आप देख लेंगे, इसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट भी. सो एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं.
Anybody? Participants, would you have any questions, please? Hello. Hanji. Hello. Hello. कोई बताएंगे कुछ? हाँ, good afternoon, please. I hope everybody. कौन? क्या? धर्मेन, अभिजीत. अभिजीत, go ahead. Hello. Hello, sir. This is Abhijit Bose, SSC Hanji. From Kurla. Haan, so you were saying that audit of safety audit of new structure should be carried out before. Eight minute. Yes, sir. Haan ji, boliye. Actually, you were saying that safety audit of new structure should be carried out before construction. Sir, is there any rule for if there is existing infrastructure which is suffering from water logging, or how should we prepare for safety audit of infrastructure? Actually, sir, we are from Bombay, and the ART always goes underwater. So, in that case, how should we prepare for that? वाटर लॉगिंग वो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वो लोग करते होंगे. सो इज देयर एनी सर प्रोसीजर फॉर सेफ्टी प्लानिंग और शुड वी कांटेक्ट एनीबॉडी फॉर सेफ्टी रिव्यू ऑफ दैट प्लेस? एकदम कर सकते हैं आप. पे आपको लग रहा है कि वो हैम्पर करेगा तो यू शुड ऑलरेडी कांटेक्ट श्योरली कांटेक्ट विद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. अपने जो IRF को भी बता सकते हैं कि वाटर लॉगिंग होता है, इसके चलते ये प्रॉब्लम हो रही है. And this is ये this may affect train operation safety and security. Safety of the train operation is hampered on this account. Yes, so engineering department, you see, generally engineering department before pre monsoon they take some survey and they वो कुछ action लेते हैं. Drainage को clear करेंगे, कहीं पर कुछ मट्टी भरेंगे, कुछ pathway बनाएंगे. They do. ऐसा बात नहीं नहीं करते हैं वो लोग भी हैं. बट यस, अगर आपको लगता है कहीं कुछ हो रहा है तो यू मस्ट रेज दिस इशू. आपको IRF को देना है और थ्रू IRF अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को IRF को जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए. एंड दिस इज बाइंडिंग. मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं आप बोलेंगे तो छोड़ नहीं. मैंने दे शुड टेक एक्शन. वो सर्वे कराएंगे, पूछ लेंगे कि वाटर लॉगिंग नहीं हुई. Actually, sir, the water logging is so severe that we have to wait for 2-3 days before starting the rail yard. So that's why we need to contact the higher authorities regarding this. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. और कोई? आप ये बताइए कोई कि आपने ये अपना डिविजनल लेवल का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान देखा है? Have you seen disaster management plan of division of your division? एक मिनट. हेलो. हाँ, क्या जी? हाँ, ठीक ठीक. हाँ जी, बताइए कोई देखा आपने? एक एमी है अलीपुर द्वार, अगर अवेलेबल हो तो बताए प्लीज. अभिजीत बोस जी, आप बताइए, आप देखे हैं ये अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? आपने देखा है डिवीजन का? हैव यू सीन? एक्चुअली आई एम आल्सो आई एम जॉइन न्यू. एक्चुअली आई एम आल्सो आई एम जॉइन न्यू सर. अच्छा. इन आईटी आई हैव नॉट सीन द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. हां, सो मैं सभी को आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप यू सी जल्दी. क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि ये चीजें ठीक है, कुछ बोल दिया या कुछ बता दिया, हमारे लिए क्या है. ऐसा नहीं है. आप अगर कल को से यू आर इन चार्ज ऑफ, आपके अंडर में ARTI है, यू आर पार्ट ऑफ ARTI, यू आर पार्ट ऑफ दैट रेस्क्यू एंड रिलीफ, यू आर पार्ट ऑफ प्लानिंग टीम ऑफ डिवीजन, आप CNW के रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्लानिंग में हैं, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप इसके साथ साथ उसका भी ध्यान रखें. इट इज नॉट कि समबडी विल टेल. सो उसके लिए जरूरी है कि आपको जो भी
प्रिवेलिंग जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है, गाइडलाइन क्या है, तो एक्ट दे दिए, लेकिन आपके पास जो डिविजनल लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसको आप जरूर पढ़ें सभी लोग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्योंकि हर एक डिवीजन के अपने अपने होंगे, 68-70 डिवीजन है, तो हर एक डिवीजन में ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होगा, हर एक जोन का होगा, जरूर होगा, और इसको देखिए तो आपको पता चले उसमें व्हाट इंफॉर्मेशन आर देयर, सो दैट विल हेल्प यू। अगर आप एआरटी इंचार्ज हैं, अगर जो एआरटी से इन्वॉल्व है उनको तो पक्का रहना चाहिए, तो चाहे एमई हो, डीएमई हो, एसएससी हो, जेई हो, दे शुड ऑल मस्ट परसेस दिस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ डिविजनल एंड जोनल लेवल ऑल्सो, मैं तो कहूंगा बोर्ड लेवल भी सारे, और इसको देखिए क्या है, सो दैट यू कैन आप प्लान कर सकते हैं बेटर वे में क्या, और बेटर वे में क्या हो सकता है, आप अपने हायर अप को रेफर कर सकते हैं कि ये इसके अनुसार दिस इज आवर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, और इसके अनुसार ये चीज इसमें मिसिंग है या दिस रिक्वायर्स अपडेशन, ठीक है। चलिए, सो आई होप देयर इज नो मोर कमेंट, एवरीबॉडी इज अवेयर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, हम प्रीत प्रामाणिक बोल रहे हैं। सर हम प्रीत प्रामाणिक बोल रहे हैं। सर पहले सर सॉरी मांग रहे हैं कि हम लेट से ज्वाइन किए। लेट से ज्वाइन किए। हाँ सर, हम सीकेपी डिवीजन बंडा। सर हम सीकेपी डिवीजन बंडा। अच्छा चक्रधर, यू आर फ्रॉम चक्रधरपुर डिवीजन ना, बंडा मुंडा। बंडा मुंडा सर। बंडा मुंडा सर। बंडा मुंडा में क्या वर्कशॉप में, बंडा मुंडा में कुछ वहाँ बंडा मुंडा में क्या है, वो सिख लाइन कुछ है कि हाँ सर, बंडा मुंडा में आरोह है आपका, बंडा मुंडा में आरोह है आपका, आरोह आरोह है ना, आरोह डिपो है। हाँ बंडा मुंडा आरोह डिपो। हाँ बंडा मुंडा आरोह डिपो। और वहाँ क्रेन भी है। हाँ सर 140 यार भी है। हाँ सर 140 यार एमी भी है सर। यार एमी दोनों बंडा मुंडा में। आप एआरटी से, एआरटी से रिलेटेड हैं आप? हैं हाँ सर। सर हम दोनों में आरोह में करते हैं, एआरटी एआरएमई दोनों में। अच्छा, वो आप जो जो डेडिकेटेड स्टाफ उसमें आप हैं? हाँ ये सर। हर एक एआरटी का कुछ पूल होता है ना स्टाफ का, जिन जिनको कि एक्सीडेंट सायरन बजा तो जाना होता है सर, वो हम तो मेरा दिन में सर जिल गया सर। अच्छा दिन में ड्यूटी। हाँ बोलिए। की कुछ व्हाट्सएप ग्रुप तो हमको ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। मेरा कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, मेरा कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। अच्छा वो साथ साथ आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम। हेलो सर, मैं कह रहा हूं अभिजीत आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ज्वाइन कर लिया जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो पत्रा जी हैं, वो ये शाश्वत गुप्ता जी हैं प्रोफेसर, वो देख लेंगे। और आपका कोई रिमार्क है, कमेंट है? चलिए कोई बात नहीं। सो मैं फिर से आप लोग सभी को स्वागत करता हूँ। दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी कि टू मेक अवेयर कि भाई डिजास्टर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, और रेलवे में इसका नेशनल लेवल पर क्या इम्पोर्टेंस है। एक्ट के अंदर बियॉन कवर्ड अंडर एक्ट, सो एक्ट की जब बात आती है तो पनिशमेंट आ जाता है। सो नाउ इसका वायलेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज नॉट लिमिटेड टू डिपार्टमेंटल एक्शन ओनली, एंड इवन पुलिस कैन फाइल अ केस। सो उसको कुछ नहीं, उसको जहां पता चलेगा कि समबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजास्टर, वो सीधे एफआईआर दर्ज करे, अरेस्ट कर लेगा, जैसे जो भी अभी उसका जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग और जो भी होगा वो अपना जारी करेगा। एंड इंस्टेंसेस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वी हैव टू बी अवेयर, अपने अपने काम करें, और जहां भी हो वी हैव टू वर्क towards zero disaster, और उसमें कोई casualty नहीं हो। हर एक लोग रेलवे बोर्ड अपना काम कर रहा है, जोनल रेलवे अपना काम कर रहा है, डिवीजन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। वट एवर जॉब, वट एवर ड्यूटी हैज टू बी असाइंड, हैज बीन असाइंड, मॉक ड्रिल है, अपकीप ऑफ इक्विपमेंट है, नॉट ओनली दिस। अगर आप मालगाड़ी या फ्रेट ट्रेन का कोई एग्जामिन कर रहे हैं तो यू आर कवर्ड अंडर दिस, दिस इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हम एग्जामिन इतनी इस तरह से करें, ठीक करा करके चलाएं कि वो जाके रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं हो, कहीं डिरेल नहीं कर जाए, कैसा मैसेज कुछ नहीं हो जाए उसको। सो दिस इज पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। हमारे जितने भी काम है रेलवे में, खासकर रोलिंग डिपार्टमेंट, रोलिंग स्टॉक, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो फ्रंट फोरमैन है,
अग्र पुरुष फोरमैन बोलते पहले, जैसे फ्रंट में है सबसे पहले, एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले कोई भी होगा डीआरएम साहब सबसे पहले स्नेडीमी को खोजेंगे। अभी पता नहीं चेंज हुआ है जो स्ट्रक्चर उसमें किनके अंडर में गया है, सो पहले सबसे पहले स्नेडीमी। मैं हर एक एक्सीडेंट में मैं जाता था, डीआरएम साहब रहे जनार्दन क्या करोगे कैसे करोगे बताओ, और सबसे पहले कितना देर लगोगे लगेगा कितना देर का टाइम दे, सो वी आर द फ्रंट रनर कोई भी एक्सीडेंट में। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने सिस्टम को, कोच हो बैगन हो, उसको साउंड मेंटेन करें और कोई भी चीज ओवरलुक नहीं करें। अगर कोई चीज सेफ्टी हैम्पर कर सकता है तो उसको तो कतई ओवरलुक नहीं करें। सेफ्टी हैम्पर मतलब कि अंडर गियर अपर गियर दोनों है, जैसे जो कोच मेंटेन कर रहे हैं डिपो में है उनको ये डायरेक्टिव है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल के जो सेफ्टी है आइटम है उसको बाईपास नहीं करें, चाहे वो हीटर का हो एसी का हो जिसका भी हो, कोई भी सेफ्टी आइटम इक्विपमेंट बाईपास नहीं करें। अगर नहीं चल रहा है तो उसको रिपेयर करें रिप्लेस करें जैसे भी, मगर उसको बाईपास नहीं करें क्योंकि बाईपास में रिजल्ट इन अगेन सम डिजास्टर, आग लग सकती है कोच में। सो दिस इज नॉट लिमिटेड टू डिरेलमेंट ओनली, इवन डिरेलमेंट नहीं हुआ, इवन देयर इज नो डिरेलमेंट बट देयर इज फायर ऑन द ट्रेन इज ऑल्सो डिजास्टर। सो वहां पर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने सिस्टम को ठीक। सो इस सब के साथ जस्ट बी अवेयर, आप लोग इसको पढ़ लें और मेंटेन योर सिस्टम इन साउंड मैनर सो दैट नो अक्रेंस नो अनटुवर्ड इंसिडेंस इज देयर। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। शाश्वत सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर for the lecture and thank you to the participants who listened carefully and asked the questions. I will share the presentation and the disaster management and the disaster management act on the course page at Indigo. Patra sahab last time liye the aapke nahi liye the सर लास्ट टाइम सर हम शेयर किए थे, लास्ट टाइम शेयर किए थे ना यस सर यस सर यस सर हम किए थे ना यस सर यस सर यस सर यस सर हां इसमें देख लीजिएगा जो भी है उनको शेयर कर दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए जो इंटरेस्टेड है लेकर प्रेफर जो इंटरेस्टेड है लेकर प्रेफर। चलो थैंक यू सो मच, अभी हम लोग स्टॉप करते हैं, नाउ लंच का टाइम है, लंच के बाद आपका नया सेशन शुरू होगा। शाश्वत